रिजू क्या कर रही हो, क्या कर दी हो? हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका, वेलकम बैक, और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने खेत में आए हैं और आज नर्सरी गिराने का दिन है। नर्सरी मतलब वो धान का जो बीज होता है उसको हम तैयार करने वाले हैं आज, मतलब खेत में डालने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग यही रहेगा भाई, देख सकते हैं खेत में पानी भर चुका है और ट्रैक्टर भी आके खड़ा हो गया है। तो हम भी अभी आ गए हैं, धान का बीज भी ले आए हैं साथ में। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मतलब ट्रैक्टर खेत में आ गई है, तो मतलब लेवा होना शुरू हो गया है। और इसको हम थोड़ा छोड़ देंगे एक दो घंटे के लिए, जो पानी है वो निकल जाएगा, क्योंकि पानी रहेगा तो धान मतलब धान का जो बिया है और अंदर चला जाएगा, तो उसको हम थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर रहे बस। तो अभी खेत का पानी सूख गया है, तो देख सकते हैं अभी लकड़ी का मतलब है और हेंगा बोलते हैं हम लोग इसको, अभी इसमें अभी मतलब चलाएँगे तो जो मिट्टी है ऊपर उठा हुआ तो नीचे लेवल पर हो जाएगा। लगभग 3-4 घंटे बाद देख सकते हैं पानी कैसे सूख गया है, तो अभी खेत में बीजा डाला जा रहा है। उसको बहुत हल्के हल्के हाथ से डालना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा नीचे मतलब अंदर चला जाएगा ज़मीन में तो निकालने में दिक्कत होगा, तो इस वजह से बहुत हल्के हाथ से डाला जाता है। उपजाऊ की ऊपर ऊपर है, और ये देख सकते हैं यही धान है और इसी का नर्सरी तैयार होता है भाई। तो भाई मैं अपना ब्लॉग करता हूँ समाप्त, और मैं अपने खेत में नर्सरी डाल रहा हूँ, तो अभी टाइम लगेगा, तो ब्लॉग करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की।